दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष अकेडमी पे। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं गाइस, ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की बारे में। तो ग्रामीण उद्यमिता जो संस्थान है, इसमें बहुत सारी जो है अभी जो है लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकली है। 10th भी इस पे है, 12th भी इस पे है, ग्रेजुएशन भी इस पे है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी इस पे है, PhD के भी इस पे है। ठीक है, तो आपने जौन सा भी कोर्स किया है, अगर आप 10th पास है 10th पास वाली के लिए अप्लाई कीजिए, 12th पास है 12th पास वाली जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आपका जो है ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए। आपका PG कंप्लीट हो गया, उस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। आपका PhD कंप्लीट हो गया, उस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। तो सारी पोस्ट हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके, और सैलरी वगैरह पूरा सारा डिटेल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रामीण उद्यमिता जो संस्थान है, ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन सी पोस्ट है, कितनी निकली है। अब देखिए नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट, देखिए नेम ऑफ पोस्ट, तो नेम ऑफ पोस्ट देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डाटा एनालिस्ट और MTS। नेम ऑफ पोस्ट इन उत्तराखंड, तो 3,266 पोस्ट है उत्तराखंड में, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के कितने हैं, सॉरी टोटल जो पोस्ट हैं उत्तराखंड में वो आपकी कितनी है, देखिए 13 पोस्ट हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैं, 95 डाटा एनालिस्ट की, 3,266 पोस्ट है MTS की, मल्टी टास्किंग स्टाफ की। नंबर ऑफ पोस्ट पंजाब एंड हरियाणा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 45, डाटा एनालिस्ट की 290, MTS की 5,728। गाइस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उसके लिए PG डिग्री मांगा है किसी भी स्ट्रीम से, 18 से 35 साल एज, सैलरी जो रहेगी 35,400 रुपये। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर किस भी इस पे होगा, तो मेरिट लिस्ट बनेगी कैंडिडेट की, जिसमें डिटरमाइन करेंगे परसेंटेज, उसके जो परसेंटेज हैं जो भी उसने डिग्री करी है उसके बेस पे। अगर देखिए कैंडिडेट ने कंप्लीट किया है PG इन MSc, MTech, MBA, MCA, MPED, MED या MPL से, तो उसमें 5 बोनस पॉइंट मिलेंगे। अगर कैंडिडेट ने PhD डिग्री कंप्लीट करेंगे तो 5 अलग बोनस पॉइंट जो है अलग से मिलेंगे, यानी PhD वाला कुछ ज़्यादा है यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा, इफ़ समवन अप्लाइंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पोस्ट एंड ही या सी हैज़ कंप्लीटेड द PhD डिग्री अलॉन्ग विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन MSc या MTech या MBA या MCA या MPED, किसी भी फील्ड से किया है, एंड हैज़ स्कोर 65% इन PG, एंड देन द परसेंटेज ऑब्टेन इन PG 65 विल बी इक्विवेलेंट पॉइंट प्लस 5, तो पॉइंट उसके टोटल यहाँ पे देखिए 5 बोनस पॉइंट फॉर PG ग्रेजुएट फ्रॉम MSc, MTech वगैरह वगैरह, प्लस 5 बोनस पॉइंट PhD, तो टोटल उसके कितने हो गए, 65% है 5 जो है उसके PG डिग्री के और 5 PhD के, टोटल 75 उसके यहाँ पे जो है पॉइंट बन गए। ठीक है, तो मेरिट बनाएंगे इसी के बेस पे। डाटा एनालिस्ट की है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, 18 से 35 साल एज, और 25,500 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मेरिट लिस्ट बनेगी कैंडिडेट की, ठीक है, सेम रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ग्रेजुएशन किया है तो 5 पॉइंट मिलेंगे बोनस पॉइंट, अगर ग्रेजुएशन के साथ में PG भी किया है तो 5 पॉइंट्स उसके भी मिलेंगे, और PhD भी किया तो प्लस 5 पॉइंट उसके भी मिलेंगे, यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं 65 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, टोटल 80 पॉइंट यहाँ पे बन गए। मल्टी टास्किंग स्टाफ्स के लिए भी है, 10th पास मांगा हुआ है, 18 से 35 साल, 18,000 यहाँ पे सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए अगर 12th पास है तो 5 बोनस पॉइंट मिलेंगे, अगर आपने ग्रेजुएट किया है
तो उसके भी 5 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपने पीजीपी किया तो उसके 5 पॉइंट और मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो है इस तरीके से, अगर आपकी परसेंटेज 10th में 65 है, 5 नंबर आपके उसके मिले, 5 5 80 पॉइंट यहाँ पे आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी मेरिट बनने वाली है इसमें। और देखिए, मेरिट लिस्ट जो है विल बी पब्लिश ऑन 15 दिसंबर 2021 एन ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, काउंसलिंग एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टू बी अनाउंस लेटर एंड विल बी इन्फॉर्म थ्रू करस्पॉन्डेंस टू मेलिंग एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट बाय रजिस्टर्स लेटर स्पीड पोस्ट ओनली एंड द कन्फर्मेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी सेंट ऑन द ईमेल एड्रेस प्रोवाइड बाई द एप्लीकेंट इन दियर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जो है लास्ट डेट इसकी जो है क्लोजिंग डेट है वो 5 दिसंबर है। तो गाइज काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, अगर आप जो है आपने जो है 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी किया तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और जो पोस्टें हैं उत्तराखंड में काफ़ी सारी पोस्टें हैं। एमटीएस की जो है 3266 पोस्ट अकेले एमटीएस की है। इसके अलावा 95 डाटा एनालिस्ट की है और 13 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्टें हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोई आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं।